नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। अपने अपने क्षेत्रों की खबरों को देखने के बने रहिए हमारे साथ। अब शुरुआत करते हैं आज की ताजा खबरें। इस खबर के प्रायोजक हैं शांति ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन अमौड़ा गोसाई की बाजार आजमगढ़, जिसके प्रबंधक हैं दीपक राय। प्रख्यात सिने स्टार व पूर्व सांसद सबाना आजमी आजमगढ़ से मुंबई के लिए देर शाम को रवाना हो गई। लेकिन इससे पहले उन्होंने कृषि कानून के से लेकर सीए एनआरसी मुद्दे पर अपनी राय रखी। कृषि कानून बिल पर वापस लेने पर उन्होंने प्रसन्नता जताई और यह भी कहा कि जिन किसानों की मौत हुई है उनके परिजनों को मुआवजा व नौकरी दी जाए। वही यह भी कहा कि जिस शिद्दत से आंदोलन चलाया गया उससे यह अच्छा कदम उठाया गया है। सीएए एनआरसी पर उम्मीद है कि सरकार अच्छा कदम उठाएगी। यह निर्भर करता है कि किस प्रकार से मूवमेंट चलता है। आजमगढ़ में विश्वविद्यालय की स्थापना पर उन्होंने कहा कि इससे आजमगढ़ का नाम देश विदेश में जाना जाएगा और महिला सशक्तिकरण को भी मिसाल बनेगा। आजमगढ़ का नाम आर्यमगढ़ किए जाने पर उन्होंने कहा कि उनके नाम के साथ आजमी जुड़ा है और यह उनकी पहचान छीनने के जैसा होगा। आजमगढ़ का नाम कैफी आजमी की वजह से देश व विदेश में जाना जाता है। इस प्रकार सिबली नुमानी व राहुल सांकृत्यायन के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए नाम बदलने से अच्छा है कि बुनियादी काम किए जाएं। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बीजेपी और सपा के बीच सियासत पर भी उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने यह कार्य शुरू कराया था लेकिन बीजेपी ने इसे पूरा कराया, यह अच्छी बात है। क्या कुछ कहा और सबाना आजमी प्रसिद्ध सिने स्टार ने, वो भी आपको सुनवा देते हैं। बहुत खुशी हुई है मुझे, बहुत बहुत खुशी हुई है और मैं बहुत बधाई देना चाहती हूँ हमारे किसान भाइयों और बहनों को। और इससे ये साबित होता है कि प्रजातंत्र में जो प्रजा है उसकी आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने क्योंकि ये जन आंदोलन करके और इतनी शिद्दत से काम करते रहे, इसलिए आज ये दिन आया है और मुझे इसकी बहुत खुशी है। मैम, सरकार से क्या अपील करना चाहेंगी इस मामले में और किसान जो अभी भी आंदोलनरत हैं उनके क्या अपील करेंगे? देखिए, अब जो सबसे पहली कड़ी है और जो सबसे दिक्कत वाली कड़ी थी वो तो हट गई। मेन चीज़ वो है कि वो हट गई। अब उसके बाद जो निटी ग्रिटीज़ हैं, जिसमें ख़ास तौर से कॉम्पनसेशन की बात है, जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनको कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, वो तो हम सरकार से उम्मीद ये करते हैं कि अगर कोई ट्रेन एक्सीडेंट भी हो जाए तो उसमें भी कॉम्पनसेशन मिलता है। तो जाहिर है कि अगर इस आंदोलन के दौरान वो हुआ है तो उनको कॉम्पनसेशन तो मिलना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो इतनी बड़ी जीत हुई है वो जन आंदोलन और शिद्दत की वजह से हुई है और इनके साथ इंसाफ हुआ है। जैसे मुझे अखिलेश यादव जी ने कहा है कि ये जो हमारा रथ यात्रा निकल रहा था उसके डर के वजह से जो है कानून वापस लिया जाए, इस पे क्या कहेंगे? इस सवाल का जवाब आप खुद ही दीजिए। मैं जो हूँ किसी भी राजनीति के मामले में पढ़ना नहीं चाहती हूँ। मैं हूँ बेसिकली कि जो डेवलपमेंट का काम करती हैं और मेरे लिए जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारा इलाका जो आजमगढ़ है इसको किस तरह से आगे बढ़ाया जाए। और इसके लिए जो काम हम लोग कर रहे हैं वो एक छोटा सा कदम है उसी की तरफ और उसमें मुझे इंटरेस्ट है, ना कि झमेलों में। मैं मुझे तकलीफ़ है इस बात की, बहुत तकलीफ़ है क्योंकि मेरा नाम आजमी है और मुझे बहुत फ़ख्र है अपने नाम पर। कैफी आजमी साहब के साथ आजमगढ़ का नाम जुड़ा हुआ है, जैसे कि शिबली नुमानी, जैसे कि राहुल संकृतायन और कैफी आजमी की वजह से ना सिर्फ देश में मगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे आजमगढ़ को जाना जाता है। अगर आप मुझसे मेरी पहचान ही छीन लेंगे तो जाहिर है मुझे बहुत अफसोस होगा। और मैं ये अपील करती हूँ कि नामकरण की बजाय अगर हम आज का जो हमारा युवा है और वो जितना परेशान है और उसको नौकरी की जितनी तलाश है, अगर हम उसकी तरफ काम मूवमेंट को अब एक अच्छा कदम उठाया तो हम उम्मीद करते हैं कि दूसरा अच्छा कदम भी उठेगा। मैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे सपा और भाजपा दोनों की किसका देखिए, मैं आपको ये बता दूं कि सपा ने इसकी शुरुआत की थी और इसको कंप्लीट किया है बीजेपी ने। मुझे ऐसा लगता है कि ये इतनी बड़ी बात है, दोनों को मुबारकबाद मैं दूंगी। क्योंकि आमतौर पे होता ही है जब एक सरकार कोई चीज़ शुरू करती है तो जब दूसरी सरकार आती है तो उसको गिरा देती है, लेकिन यहाँ तो दोनों सरकारों ने मिलके वो काम किया है जो जनहित में है। तो एक्चुअली तो डेमोक्रेसी का मतलब यही है। तो बजाय इसके कि हम कहें उन्होंने किया, दोनों ने मिलकर किया और दोनों को बधाई मिलनी चाहिए। आजमगढ़ को नया विश्वविद्यालय मिलने जा रहा है, उसके लिए आप क्या कहेंगी, क्या होना चाहिए, क्या अपील करें? शाहजहांपुर से खबर है जहां पूर्व मंत्री रामाश्रय विश्वकर्मा के निर्देश पर अखिल भारतीय विश्वकर्मा शिल्पकार महासभा शाहजहांपुर के जिलाध्यक्ष अमित शर्मा के नेतृत्व में विश्वकर्मा समाज का प्रतिनिधिमंडल
विश्वकर्मा समाज की बेटी के साथ हुए बलात्कार की घटना की जानकारी लेने वाले पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए अल्लागंज पहुंचे। परिवार से मुलाकात की और आश्वासन दिया कि विश्वकर्मा महासभा उनके साथ है, उनको न्याय दिलाने के लिए महासभा संघर्ष करेगा। उन्होंने पीड़ित परिवार को राहत सामग्री और उपचार के लिए नकद धनराशि प्रदान की। पीड़ित परिवार से मिलने अमित शर्मा, रामनिवास शर्मा, राजू शर्मा सहित तमाम लोग उपस्थित रहे। अम्बेडकर नगर जिले के विधानसभा क्षेत्र आलापुर के ग्राम सभा बलरामपुर में महेंद्र गौतम के पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम और ग्राम सभा हकीमपुर में सपा नेत्री कुमारी देवी के पुत्र के आकस्मिक निधन व रामविलास गौतम के भाई के आकस्मिक निधन पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता व पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ने शोक संवेदना व्यक्त की। उसके पश्चात पूर्व सांसद त्रिभुवन दत्त ग्राम सभा मुबारकपुर पिकार में रामा यादव के पुत्र की शादी व ग्राम सभा मदैनिया में पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ छप्पा जिला अध्यक्ष जितेंद्र निषाद के बहन की शादी समारोह ग्राम सभा, जमुलपुर में किशोर राम प्रजापति के पुत्र की शादी समारोह ग्राम सभा, पत्राभार में शिवशंकर यादव के पुत्र की शादी समारोह एवं ग्राम सभा, सुलेमपुर उर्फ वीरनपुर में राम अजोर मौर्य की पुत्र की शादी समारोह ग्राम सभा, सिपाह निवासी मेवालाल वर्मा के पुत्र की शादी समारोह में शामिल हुए। न्यूनतम वेतन सहित 7 सूत्रीय मांग को लेकर आजमगढ़ में बिजली विभाग के संविदा कर्मचारी कल से ही कार्य बहिष्कार पर चले गए। दूसरे दिन भी सिदारी हाडल में धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान संगठन के पूर्वांचल उपाध्यक्ष आशीष कुमार पांडे ने कहा कि उनकी मांगों में प्रमुख रूप से न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये, ईपीएफ घोटाले की जाँच करने और कर्मचारियों की सुरक्षा शामिल है। इसके लिए 7 सितंबर से ही लखनऊ के शक्ति भवन पर आंदोलन चल रहा है। आंदोलन के 76 दिन पूरा होने के बाद भी सरकार और प्रबंध तंत्र तक अभी तक एक भी मांग को पूरा नहीं किया। ऐसे में मजबूर होकर कार्य बहिष्कार का निर्णय लेना पड़ा, जिसकी वजह से कई क्षेत्रों की विद्युत सप्लाई बाधित हो गई है और मांगें पूरी नहीं होती है। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में और दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अपना पर्ची बता दे भैया। आशीष कुमार पांडे, पूर्वांचल उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन निविदा संविदा कर्मचारी संघ से। धरना कितनी दिवस से चल रहा है, क्या है इसका? देखिए, हमारा जो धरना है आज पिछले 7 सितंबर से जारी है, आज 77वां दिन है इसका। अब हमारा जो धरना है ये जिला 75 जिलों में इस समय जारी है, जिसकी प्रमुख मांगों में 7 मांगें हमारी है। आउटसोर्स कर्मचारियों को न्यूनतम वेतन मान जो है वो 18 दिया जाए। सैनिक कल्याण निगम के तहत जो अनुबंध हुआ है उनको 24,000 मिल रहा, उसके अनुरूप हमको न्यूनतम वेतन जो है 18,000 दिया जाए। मृतक आश्रित को 10 लाख, उसके परिवार को दिया जाए, 5 लाख से बढ़ा के 10 लाख किया जाए। उसके वाहन भत्ते खर्चे के लिए उसको पैसा दिया जाए। विभाग में संविदा कर्मियों को समायोजित किया जाए, उनके कार्य के अनुरूप उनके हमारी मांगे नहीं पूरी हो रही, जिसको लेकर 15 नवंबर को हमारा कार्य बहिष्कार धरना शक्ति भवन पे किया गया था, जिसमें ऊर्जा मंत्री के द्वारा 35,000 लोगों को जेल भरो आंदोलन भी करवाया गया, वार्ता भी की गई उन लोगों के द्वारा, बोर्ड की मीटिंग भी की गई जिसमें वार्ता विफल हो गई। उसके अनुरूप हमारा जो पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम था 16-17 नवंबर को 2 दिवसीय स्वैच्छिक अवकाश, फिर पुनः 18 नवंबर से अनिश्चितकालीन कार्य बहिष्कार का प्रयोजन हर जिलों में रखा गया है, जो जारी है इस समय। आजमगढ़ में भारतीय संस्कृत कार्तिक पूर्णिमा पर लाखों की संख्या में दीपदान कर तुलसी माँ की विदाई दी गई। वहीं घरों से लेकर देवालयों में तुलसी मैया को हलवा पूड़ी अर्पित किया गया। देव दीपावली पर जलाए गए दीवों को देखकर लगा मानो तारी जमीन पर उतर आए हो। यह नजारा शहर से लेकर गाँव तक दिखा। नदी के तीरे दीपों की लौ से ऐसा लग रहा था जैसे आसमान के तारे जमीन पर उतर आए हों। दीप जलते ही सेल्फी लेने की होड़ मच गई। उधर कुछ स्थानों पर तुलसी विवाह और दीपदान कर तुलसी माँ को विदाई दी गई। इसी तरह निजामाबाद के शिवालिक घाट पर तमसा तट पर 20,000 दीपक जलाए गए। स्कूली बच्चे और छात्राओं ने कार्यक्रम में इस दौरान छात्राओं द्वारा रंगोली के माध्यम से लोगों को कोविड बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ वन्य जीव संरक्षण आदि का संदेश दिया गया। इस दौरान डॉक्टर पीयूष सिंह ने छात्राओं को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि तमसा आरती समिति की तरफ से बेटियों ने जिस तरह से रंगोली के माध्यम से हमें सजग करने की कोशिश की, सराहनीय है। समाज को इसे लेकर जागृत होने की जरूरत है। कार्यक्रम को सफल बनाने में माँ तमसा आरती समिति प्रभारी निरीक्षक भाजपा लालगंज जिलाध्यक्ष श्रीकांत राय डॉक्टर पीयूष बिपिन सिंह का योगदान रहा। क्या कुछ कहा डॉक्टर पीयूष यादव ने आपको सुनवाते हैं। आज देव दीपावली के अवसर पर निजामाबाद में किस तरह का कार्यक्रम आया? आज देव दिवाली के अवसर पर बहुत ही भव्य कार्यक्रम निजामाबाद में आयोजित किया गया, यहाँ शिवालिक घाट पे। यहाँ पे 20,000 दीयों को यहाँ के बच्चों ने
जो विभिन्न स्कूलों के थे, एक साथ इकट्ठा होकर के लगाया, सजाया और बहुत ही भव्य दृश्य प्रस्तुत किया। साथ ही साथ हमारी बेटियों ने बहुत ही सुंदर सुंदर रंगोली बनाई और सभी रंगोली इतनी सुंदर थी कि किसी भी रंगोली में फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं किया जा सकता। बहुत ही जागरूक बेटियां हैं और उन्होंने बहुत ही समाज के जो सुदृढ़ चीज़ें हैं उनको उठाया, साथ ही साथ जो कमजोरियां हैं जैसे कोरोना को उठाया उन्होंने, कोरोना में किन्होंने काम किया उस पर रंगोली बनाई। हमारी एक बेटियां थी फोर्थ में पढ़ती थी, उन्होंने भारतीय पक्षी मोर पे बनाया, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऐसी चीज़ों पे उन्होंने बनाया जो जिसपे समाज को जागृत होने की आवश्यकता है। और यह बहुत ही अच्छा त्यौहार यहाँ पे सभी लोगों ने मिलके मनाया। रंगोली प्रतियोगिता के दौरान बच्चियों को किस तरह का सम्मान दिया? रंगोली प्रतियोगिता के दौरान जितनी भी बच्चियाँ थीं सभी को फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ करके जजेज का पैनल था, उसने रैंकिंग दी। साथ में जो बच्चियां बची उनको एक पुरस्कार समिति की तरफ से दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की शीर्ष नेतृत्व की आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी लालगंज की जिला सदस्यता प्रभारी व जिला महामंत्री सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने निजामाबाद स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर कहा कि पूरे उत्तर प्रदेश में भाजपा ने विशेष सदस्यता अभियान चलाकर 4 करोड़ नए सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा है। मेरा परिवार भाजपा परिवार का नारा देकर लालगंज के सभी 5 विधानसभा इलाकों 2.5 लाख नए सदस्य बनाकर बड़ा कीर्तिमान स्थापित करेगी, जिसके लिए सभी जिला व मंडल पदाधिकारियों को मोर्चा के व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हम सभी जिला व मंडल पदाधिकारियों को मोर्चा के व प्रकोष्ठों के पदाधिकारियों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है, जो हम अपने बूथ कार्य समिति व पन्ना प्रमुख के माध्यम से पूरा करेंगे। क्या और कुछ कहा सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जिला महामंत्री भाजपा ने, आपको सुनवाते हैं। अपना परिचय दीजिए। मैं सूरज प्रकाश श्रीवास्तव जिला महामंत्री व जिला सदस्यता प्रभारी भाजपा लालगंज। भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता चल रही है, उसमें आप लोगों की क्या तैयारी चल रही है? भारतीय जनता पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में 4 करोड़ सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। इस अभियान में हमारे सभी जिले के पदाधिकारी लगे हुए हैं, सभी हमारे मंडल के अध्यक्ष मंडल के पदाधिकारीगण लगे हैं, हमारे सभी मोर्चा प्रकोष्ठ अलग अलग जो हमारे गतिविधि करने वाले हमारे प्रकोष्ठ वो सभी लगे हुए हैं। हमारे सभी 40,000 से ज़्यादा हमारे जो पन्ना प्रमुख हैं वो सभी अपने अपने बूथों पर लग करके भारतीय जनता पार्टी का 100 से ज़्यादा सदस्य बना रहे हैं। हमारा ये लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश में पुनः भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। आम जन में भी ये बात चल रही है कि सोच ईमानदार काम दमदार फिर एक बार भाजपा सरकार, और इस नारे के साथ हम लोग चल रहे हैं। योगी सरकार की जितनी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जनता को बताया जा रहा है, उनके परिवारजनों को भी और उनको भी भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनाया जा रहा है। और इस सदस्यता अभियान में कुछ विशेष नहीं करना है। इस सदस्यता अभियान में एक टोल फ्री नंबर है 7505403403 7505403403। इस नंबर पर मिस कॉल करके और अपना नाम पता पिन कोड भेज करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हम लोग बना रहे हैं। जो भी लोग भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनना चाहते हैं, मैं उनसे भी अनुरोध करूंगा कि इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनिए और आप भी सदस्य बनिए, अपने परिवार वालों को भी सदस्य जरूर बनाएं, क्योंकि यही एक पार्टी है जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है। और ये हमें गौरव होना चाहिए कि हमारे देश में प्रदेश में सरकार है जो जनता के लिए काम करती है। हमारे आजमगढ़ वासियों के लिए भी मैं अनुरोध करूंगा कि आप जरूर भारतीय जनता पार्टी का ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सदस्य बने। आजमगढ़ के लिए जो नए कीर्तिमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने रचे हैं, चाहे वो विश्वविद्यालय हो, चाहे वो आजमगढ़ में एयरपोर्ट हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो, और न जाने कितने हमारे योजनाओं से लाभान्वित लोग हैं जो गांव में रहते हैं, उन सभी लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि एक बार आप जरूर भारतीय जनता पार्टी के सदस्य बने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार उत्तर प्रदेश में पुनः आए, ताकि हम लोग जन कल्याणकारी कार्य करके जनता को लाभान्वित करते। आजमगढ़ में समाजवादी महिला सभा की राष्ट्रीय सचिव व मंडल प्रभारी सुनीता सिंह ने महिलाओं का आह्वान किया है कि अपने अपने पोलिंग बूथ पर अधिक से अधिक महिला मतदाताओं को वोटर बनाएं। उन्होंने कहा कि जनपद के 10 विधानसभाओं में महिला सभा की तरफ से प्रदेश सरकार के महिला विरोधी और जन विरोधी नीतियों का पर्दाफाश किया जाएगा। श्रीमती सिंह समाजवादी पार्टी कलेक्ट्रेट कचहरी पर समाजवादी महिला सभा आजमगढ़ के संगठन की समीक्षा के दौरान उक्त विचार व्यक्त की। उन्होंने कहा कि सरकार जन विरोध को भांप चुकी है और काले कृषि कानून को रद्द करने का सरकार का फैसला इसका उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि जनता पूरी तरह से उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार को हटाने का मन बना चुकी है और 2022 में प्रदेश में अखिलेश यादव के नेतृत्व में सपा की सरकार बनना तय है। बैठक की अध्यक्षता करते हुए सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव ने भी कहा कि सत्ता परिवर्तन की लहर चल रही है, भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है और 2022 विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की सरकार बनना भी तय है। आजमगढ़ में सारेगामा म्यूजिक अकादमी मुंबई द्वारा म्यूजिक वर्कशॉप का उद्घाटन भव्य रूप से जीडी ग्लोबल स्कूल आजमगढ़ में हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ अभिषेक जायसवाल, धीरुमला केंद्र दुबे, डीन सारेगामा म्यूजिक अकादमी मुंबई, रिमी म्यूजिक ट्रेनर मुंबई शिव गोविंद सिंह विधान तिवारी, सपना बनर्जी, अरविंद चित्रांश द्वारा म्यूजिक वर्कशॉप का शुभारंभ फिता काटकर वद्दी प्रज्वलित कर माँ सरस्वती की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर किया गया। सर्वप्रथम म्यूजिक ट्रेनर नागेंद्र दुबे, रिमी व गुलाम हस्नैन के द्वारा वर्कशॉप के समस्त बच्चों का सिंगिंग ऑडिशन लिया गया है। इसमें बच्चों को एवं ए व वी ग्रुप में रखा गया और सिंगिंग की बारीकियों को बहुत ही अच्छे ढंग से सिखाने का शुरुआत किया गया। सारेगामा अकादमी मुंबई द्वारा म्यूजिक वर्कशॉप 3 दिवसीय 20-21-22 नवंबर को चलेगा, जिसमें भजन सम्राट अनूप जलोटा द्वारा बच्चों को संगीत सिखाने का विशेष और स्पेशल रूप से वर्कशॉप चलाया जाएगा। इस म्यूजिक वर्कशॉप में जो भी बच्चे आना चाहते हैं, वो जो चीज़ से वंचित रह गए, वो बच्चे अपना स्वागत इस वर्कशॉप में दर्ज करा सकते हैं। यह जो जीडी ग्लोबल आजमगढ़ स्थित सारेगामा पा का जो कार्यक्रम आज आयोजित हुआ है, जिसका शुभ आरंभ हुआ है, यह अपने में एक अनोखा कार्यक्रम है, जिसमें पूरे राष्ट्रीय स्तर के हमारे जो भी म्यूजिशियन हैं, जो भी हमारे टीचर्स हैं, वह आकर के हमारे ज़िले की वह प्रतिभा को खोजने का काम करेंगे, जो टैलेंट हमारे अंदर छुपा हुआ है। और निश्चित तौर से हमारे जनपद के बच्चों के अंदर जो टैलेंट, सिंगिंग का टैलेंट हो छुपा हुआ है, उसको उभार करके राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ले जाने के काम की जो यह प्रक्रिया शुरू हुई है, इसके लिए जितना आभार व्यक्त किया जाए वो कम है। और मैं आभारी हूँ उन लोगों का, उन गेस्ट का, जो कि हमारे आजमगढ़ में आकर के इन प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए अपना कीमती समय मुंबई से और भी दूर दूर से लोग आकर के उन प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए जो समय दे रहे हैं। और यहाँ तक भी उन्होंने कहा कि अगर हम लोगों को ऐसा लगा कि यहाँ अकाडमी खोलने की ज़रूरत पड़ेगी, तो निश्चित तौर से हम जो है यहाँ वह भी काम करेंगे। यही लोगों का हम लोग धन्यवाद देते हैं और निरंतर हमारे आजमगढ़ की कला और संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम वे लोग कर रहे हैं, इसके लिए कोटिशा धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। और एक खबर आजमगढ़ से है, जहां पुलिस उप महानिरीक्षक अखिलेश कुमार, जिलाधिकारी राजेश कुमार एवं पुलिस अधीक्षक अनुराग आर्य की अध्यक्षता में तहसील सदर के सभागार में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को जन समस्याओं के त्वरित एवं गुणवत्तायुक्त निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसमें किसी भी स्तर पर लापरवाही क्षम्य नहीं होगी, जन समस्याओं का गुणवत्तायुक्त समयबद्ध निस्तारण शासन की प्राथमिकता है। इस अवसर पर कुल 135 मामले आए, जिसमें से 11 मामलों का मौके पर ही निस्तारण किया गया तथा शेष 124 मामलों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत करने के लिए जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। प्राप्त मामलों में राजस्व के 79, पुलिस के 29, विकास के 8, शिक्षा के 2 तथा अन्य के 7 मामले शामिल हैं। और एक खबर आजमगढ़ के मेहनगर से है, जहां स्थानीय थाना क्षेत्र के ग्राम गौरा स्थित श्री महामंडलेश्वर महादेव स्थल पर कार्तिक पूर्णिमा पर लगने वाला मेला आज सकुशल संपन्न हुआ। सुबह 4 बजे भोर से ही श्रद्धालुओं ने महादेव को जलाभिषेक किया। दुकानदारों द्वारा ऐतिहासिक मेले में रंग बिरंगी दुकानें लगाई गई, तो वही महामंडलेश्वर सेवा समिति द्वारा मेले में जगह जगह व्यवस्था चुस्त दुरुस्त किया गया था। सुरक्षा की दृष्टि से पुलिस प्रशासन सुबह से ही मेले में गश्त करती नजर आई। वही गौरा ग्राम प्रधान प्रतिनिधि हरेंद्र यादव मेले की व्यवस्था चुस्त दुरुस्त देखने में लगे रहे, तो इस सबके सहयोग से मेले का सकुशल संपन्न कराया गया। आजमगढ़ के सगड़ी विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस नेता अजित राय के नेतृत्व में आज कार्यकर्ताओं ने कई गांवों में पदयात्रा निकाल कांग्रेस की नीतियों से लोगों को अवगत कराया है और वर्तमान सरकार की नीतियों का विरोध करते हुए महंगाई और भ्रष्टाचार पर अंकुश न लगा पाने को लेकर नारेबाजी की। इस दौरान यह पदयात्रा बाजार, गोसाई, बनकटा, उनावेश, खैरघाट, भूपतपुर, बातन, अजूबा, महावनपुर,
अटेरी आज सहित दर्जनों गांवों में जाकर कार्यकर्ताओं ने लोगों से मुलाकात की और पार्टी की नीतियों से अवगत कराते हुए 2022 में कांग्रेस की सरकार बनाने की अपील की। इस मौके पर कार्यक्रम का नेतृत्व कर रहे कांग्रेस नेता अजित राय ने कहा कि जब से भाजपा आई है कम पेट्रोल महंगाई है, आज पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, पूरा सिस्टम भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है, आम जनता भाजपा सरकार से परेशान है, सरकार महंगाई को नियंत्रित करने में पूरी तरह से विफल है, देश का गरीब किसान परेशान है। और आजमगढ़ जिलाधिकारी व आजमगढ़ नगर पंचायत महाराजगंज के अशासित कार्य को दिए गए प्रार्थना पत्र में नितिन जायसवाल ने पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू पर राजनीतिक द्वेष भावना का आरोप लगाते हुए कहा है कि कागज में कमी का बहाना बनाकर उन्हें आर्थिक व मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। आगे क्या कुछ कहा नितिन जायसवाल ने आपको सुनवाते हैं। मैं नितिन जायसवाल समाज सेवी नगर पंचायत महाराजगंज आजमगढ़ का निवासी हूँ। मैं सितम्बर माह वर्ष 2020 में नगर पंचायत कार्यालय महाराजगंज जनपद आजमगढ़ पर पारिवारिक बंटवारे के लिए कागजात जमा किया था, जिसके संबंध में मेरा कार्य हो नहीं रहा है राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से। मैं जब भी कार्यालय पर जाता हूँ, हमारी अध्यक्षा रेणु देवी कभी कार्यालय पर नहीं मिलती हैं, उनके पति पूर्व अध्यक्ष सीताराम कांदू कार्यालय पर बैठे रहते हैं। वह राजनीतिक द्वेष भावना की वजह से मुझे आर्थिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। जब भी कोई काम होता है मैं जाता हूँ तो बोलते हैं कि कागज़ में ये कमी है वो कमी है, बहाना बनाकर मेरा काम नहीं कर रहे हैं अब तक। जिसके संदर्भ में मैं सितंबर माह 2021 में ज्ञापन दिया अधिशासी अधिकारी जी को कि मेरा काम करवाएं। अभी तक कोई कार्य नहीं हुआ। जब भी कार्यालय जाता हूँ काम के लिए बोला जाता है ये कागज़ लेकर आइए, अभी इसमें कमी है, हम कितना कागज़ जमा करें। जिसके संबंध में आज हमने 20/11/2021 को DM साहब के ज्ञापन दिया कि मेरा साथ न्याय हो और मेरा कार्य हो। आजमगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय पर जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह की अध्यक्षता में तीनों कृषि कानूनों की सरकार द्वारा वापसी की घोषणा को किसान विजय दिवस के रूप में मनाया और इससे किसानों के आंदोलन की बड़ी जीत बताया। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के राष्ट्रीय महासचिव प्रभारी उत्तर प्रदेश प्रियंका गांधी के नारे में मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ से प्रभावित होकर कांग्रेस नेत्री किरण कुमारी के नेतृत्व में आई रीना देवी, गीता देवी, रिंकी, बीना देवी, विद्या देवी सहित कई महिलाओं को कांग्रेस जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने कांग्रेस का झंडा प्रदान कर उन्हें पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। कार्यक्रम के अंत में किसान आंदोलन के दौरान अब तक लगभग 700 से ऊपर शहीद किसानों की आत्मा की शांति के लिए कांग्रेसियों ने कैंडल मार्च निकाला। क्या कुछ कहा जिलाध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह ने आपको सुनवाते हैं। अध्यक्ष जी, आज कुछ महिलाएं ज्वाइन हुई हैं कांग्रेस पार्टी के सदस्यता। देखिए, प्रियंका गांधी जी ने एक नारा दिया है कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, मतलब कि इस बार जो 403 विधानसभा का टिकट घोषित होगा उसमें 40% महिलाओं को टिकट दिया जाएगा, ऐसा प्रियंका गांधी जी का कमिटमेंट है। उस क्रम में तमाम गृहिणी महिलाएं भी आ रही हैं। उनके आने के पीछे दो उद्देश्य हैं। पहला उद्देश्य है कि प्रियंका गांधी जी की जो अपील है वो उन तक घर की है कि कहीं कहीं से लोगों को लगा है कि महिलाओं को जागरूक करने के लिए, अपने अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए जो प्रियंका जी की प्रेरणा है, जो प्रेरित कर रही हैं, उससे प्रभावित होकर के महिलाएँ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रही हैं। किरण देवी जी जो कि युवा महिला हैं और उनके नेतृत्व में आप सभी लोगों ने कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण की है, मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रियंका जी के साथ मिलकर के, उनके मिशन के साथ मिलकर के, उनकी जो प्रतिज्ञाएं हैं, जिन प्रतिज्ञाओं में लगभग 30-40% जो